मुल्की तारीख में पहली बार शाम की अदालत आज लाहौर में लगेगी। अदालत दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बच्चों की हवालगी केस पर समाअत करेगी। फैसला बच्चों को जराइम पेशा मुलजिमों से दूर रखने के लिए किया गया। सेनेट की 2 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन, सायरा अफजल तारर, डॉक्टर जरका तैमूर, सेमी अजेदी और साउद मजीद समेत 10 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वलीद इकबाल के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। एहतजाज और धरने, खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी समेत 400 मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR से सील मुकदमे में दहशतगर्दी। मुल्क से बगावत, दंगा फसाद फैलाने, 16 MPO और दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दिफात शामिल की गई थी। परेशानी और बेचैनी खत्म, अवाम पुरसकून, हुकूमत से मुजाकरात कामयाब। तरीके लब्बैक का धरना खत्म, नजरसानी अपील पर हुकूमत एतराज नहीं करेगी। आसिया का नाम ECL में शामिल करने की कानूनी कार्रवाई, तहरीक में शहादतों पर कानूनी चाराजोई, गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, दिल आजारी पर तहरीक लब्बैक की मुआजरत। धरना कायदीन और हुकूमती वफ्द में 5 नकाती मुआयदा तय पा गया, मुआयदे की कॉपी लाहौर न्यूज पर। मुआहदे के बाद धरना कायदीन का मुजाहिरीन से खिताब, अलामा खादिम हुसैन रिजवी बोले, फिर कोई ऐसी बात हुई तो दोबारा धरना देंगे, गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात खत्म हो जाएंगे। पीर अफजल कादरी ने कहा, उम्मीद है हुकूमत मुआहदे पर अमल करेगी। खिताब के बाद कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। रास्ते साफ, सड़कें बहाल, शहर की रौनकें लौट आईं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते और सड़कें खुल गईं, कंटेनर्स और रुकावटें हटा दी गईं। शाहदरा इमामिया कॉलोनी, ठोकर न्याज बेग और बाबू साबो इंटरचेंज पर ट्रैफिक बहाल। पेट्रोल की सप्लाई बहाल, शहर में बेशतर पेट्रोल पंप्स खुल गए। धर्मपुरा, मुस्तफाबाद और घास मंडी सिंहपुरा स्टॉप पर पेट्रोल पंप्स ताहाल बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। तीन रोज के तातुल के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल गई। सरकारी तालीमी इदारों में मामूल के मुताबिक क्लासेस जारी। शहर में सफाई ऑपरेशन शुरू, कूड़ा करकट उठाया जाने लगा। चेरिंग क्रॉस खुलने के बाद LWMC के मुलाजमीन ने सफाई शुरू कर दी। असेंबली ग्राउंड में PHA का अमला सफाई में मगन है। शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल, मार्केट्स, बाजार और मंडियां खुल गई। मॉल रोड पैनोरोमा, होल रोड, बीडन रोड और आबिद मार्केट, इचरा बाजार, शालम मार्केट समेत तमाम बड़ी मार्केट्स में कारोबार होने लगा। कश्मीरी बाजार, मोती बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, क्लॉथ मार्केट में भी कारोबार मामूल पर आ गया। मेट्रो बस सर्विस जुजवी तौर पर बहाल, गजुमता से MAO कॉलेज तक मेट्रो बस चलने लगी। 44 बसें मुसाफिरों को लाने और ले जाने में मौजूद। स्पीडो बस और LTC सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बहाल। लारी अड्डा से भी दूसरे शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट चलने लगी। तीन रोज बाद ट्रेनें भी चल पड़ी, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। लाहौर से 12 ट्रेनें मुख्तलिफ शहरों को रवाना, शाह हुसैन अकबर एक्सप्रेस तेजगाम, कराची एक्सप्रेस, अलाम इकबाल एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस मुकर्रा वक्त पर रवाना। शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मील 1 घंटे से जायद की ताखीर पर रवाना हुई। रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तमा का 3रा रोज, शुरुका की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शुरुका को मुकम्मल तलाशी के बाद पिंडाल में दाखिल होने की इजाजत दी गई। कल इज्तमाही दुआ कराई जाएगी। सानिहा मॉडल टाउन इस्तगासा के साबिक DIG राना अब्दुल जब्बार, कैप्टन उस्मान समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मुकदमा में 78 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके।
पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़। लाहौर के 14 डीएसपी समेत 143 डीएसपी के तकरार तबादले। गुलाम जाफर डीएसपी सिटी सरगोधा, दाऊद अहमद डीएसपी सदर सरगोधा तैनात, आशिक हुसैन डीएसपी सदर मुजफ्फरगढ़, इरफान बट डीएसपी समरियाल तैनात और कामरान अख्तर डीएसपी हाईवे पेट्रोलिंग तैनात। स्मगलिंग केस ट्रेसा की खुशगवार मूड में सेशन कोर्ट में पेशी। सरकारी वकील रुख्सत पर होने के बायस केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।